आई एम युवा, मैं किसान हूँ, युवा हूँ और लोगों का चाहता हूँ। सुना आपने, आई एम युवा और मैं हूँ लोगों का चहेता, ये कहना है 74 साल के उदयलाल आंजना का। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चित्तौड़गढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे उदयलाल आंजना के लिए ये चुनाव महाभारत के रण जैसा है, जहां चक्रव्यूह में फंस चुके आंजना का सामना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से होगा। सीपी जोशी भले ही बीजेपी की पूरी प्रादेशिक कमान अपने हाथ में लिए हुए हों, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी आंजना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो एक सवाल के जवाब में आंजना कहते हैं कि वो प्रदेशाध्यक्ष है तो क्या हुआ, मैं भी कैबिनेट मंत्री रहा हूं और पहले भी बीजेपी के बड़े नेता जसवंत सिंह को चुनाव हरा चुका हूं। वो प्रदेश अध्यक्ष तो मैं भी राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री हूँ, जसवंत सिंह जी को हराया है, पार्टी का पूरा साथ है मेरे पास और किसानों की ताकत मेरे साथ। आपको बता दें कि हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में उदयलाल आंजना को श्रीचंद कृपलानी के हाथों निम्बाहेड़ा से हार का मुंह देखना पड़ा था। विधानसभा चुनाव की बात करें तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा में बीजेपी बड़ी लीड पर है। लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं महज 1 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में गई है। निर्दलीय चुनाव जीते चंद्रवान सिंह आक्या बीजेपी समर्थित है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कटे टिकट की टीस कहीं ना कहीं अभी भी बाकी है। तभी तो बीते सप्ताह उनके दिए इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। हम निर्दलीय हैं और आगे भी जो सब मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं उनको बैठ के हम बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, किसको समर्थन देना है, उसके बारे में हम बैठ के चर्चा करेंगे। क्या ये भी संभावना है कि इस बार निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं? अगर कार्यकर्ता कहेंगे ना, कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा तो 100% चुनाव लड़ूंगा, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। सिचुएशन देख के हम चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, इस प्रकार की बात। इसके बाद आक्या को समझाने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मध्यस्थता करनी पड़ी थी। देश में सर्वाधिक मतदाताओं की तादाद इस समय युवा वर्ग की है और हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे आंजना अब के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करने को दृष्टिगत रखते हुए आंजना के इस बयान को देखा जा रहा है। कांग्रेस ने क्यों दिया आंजना को टिकट? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से गोपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया था। गोपाल सिंह के स्थानीय न होने का जबरदस्त फायदा सीपी जोशी को मिला और उन्होंने भारी मतों से गोपाल सिंह को चुनाव हराया। लेकिन इस बार कांग्रेस के स्थानीय संगठन बाहरी को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की बात शुरू से कह रहे थे। खुद कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को भी लोकल में ऐसा चेहरा चाहिए था जो बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार और दो बार से लगातार सांसद सीपी जोशी को टक्कर दे सके। उदयलाल आंजना लोकल होने के साथ ही किसान वर्ग में अच्छी पकड़ रखते हैं। आपको बता दें कि एक बार इसी सीट से आंजना सांसद भी रह चुके हैं। तब के उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह को चुनाव हराया था। दो बार विधायक आंजना हाल ही में गहलोत सरकार के भीतर सहकारिता मंत्री भी रहे। स्थानीय स्तर पर आंजना के अलावा कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था जिसके चलते ही उन्हें टिकट दिया गया। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।